हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो। मैं हूँ डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग आए हैं जबलपुर में, और जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग पेंच गए थे, और पेंच से निकलने के बाद मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको लेके जाऊंगी जबलपुर, और जबलपुर में हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये जो होटल जहाँ पर हमने स्टे किया है इसका नाम है शॉन एलिजली। तो इसका पूरा टूर मैं आपको करवाऊँगी कि हम लोग यहाँ पर कौन से रूम में स्टे किए थे और यहाँ का फूड कैसा था। तो चलिए चलते हैं शॉन एलिजली में। तो ये देखिए, तो ये है शॉन एलिजली का रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे इतना सुंदर झूमर लगा था ऊपर, तो इसका वीडियो लेना तो बनता है। तो ये होटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आप जबलपुर आ रहे हो और कहीं स्टे करने का सोच रहे हो ना, तो एक बार शॉन एलिजली में ज़रूर से आप स्टे करिए। तो ये ना रिसेप्शन एरिया था, और यहाँ पे कुछ पार्टी मतलब किसी की थी डाइनिंग में, तो यही सब लोग हैं जिनकी पार्टी थी। तो मैंने ये थोड़ा सा कवर किया है रिसेप्शन एरिया। तो हम लोग ना यहाँ पर रात को पहुँचे थे, आई थिंक हम लोग शायद से 10 बजे यहाँ पर पहुँचे होंगे रात को। और इस तरीके से ये देखिए रिसेप्शन है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये वाला एरिया। ये एरिया क्या, पूरी होटल ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और बहुत बड़े एरिया में ये वाली होटल है। तो मैंने जितना हो सके उतना कवर किया है और आपको बता रही हूँ। तो अब मैं ना आपको रूम में लेके जाती हूँ कि हमने कौन सा रूम लिया था। ये देखिए, हमने हमारा जो रूम था वो कुछ इस तरीके से था। तो आपको रूम टूर भी करवाती हूँ। इसमें बहुत सारे टाइप्स के रूम्स थे, आप होटल की साइट में जाके देख सकते हो। अगर मुझे लिंक मिलती है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी यहाँ की। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा रूम था जो हमें अलॉट किया गया था, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये रूम था। ये देखिए इस तरीके से, तो हम लोग जबलपुर ना 2 दिन रुके थे, तो हमने 2 दिन इसी होटल में हमने स्टे किया था। और हमारे पैकेज में ना ब्रेकफास्ट प्लस डिनर इंक्लूडेड था, जो भी हमारा पैकेज था उसमें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ब्रेकफास्ट में क्या खाया था हमने। बहुत सारी वैरायटी थी। ये देखिए यहाँ से ना खिड़की थी, तो रात को तो कुछ बाहर का दिख नहीं पा रहा था, पर तो भी मैंने कवर किया है। तो रूम जो है वो काफ़ी स्पेशियस था, बहुत ही सुंदर रूम था। और यहाँ पे टीवी भी है, फ्रिज है, और मैं ना आपको वॉशरूम भी बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। तो ये यहाँ पे कबट था इस तरीके से बड़ा सा, जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। और इसमें ना एक लॉकर भी दिया गया था, तो अगर आपके कुछ पैसे या फिर कुछ ज्वेलरी है तो आप यहाँ पे लॉकर में सेफली रख सकते हो। और उसके बाद ना ये जस्ट कबट है, और उसके ही ऑपोजिट साइड में जो है वो वॉशरूम था। तो आपको बताती हूँ, ये देखिए ये मेन डोर है, और इसी के जस्ट बाजू में ये वॉशरूम जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से ये पूरा वॉशरूम था। ब्लोअर प्रोवाइड किया था इन्होंने, और जो बेसिक चीज़ें रहती है कोम ब्रश, ये सारा प्रोवाइड था, शैम्पू, टॉवेल्स। बहुत ही सुंदर सा मुझे ये रूम लगा। तो अगर आप जबलपुर आ रहे हो ना तो इस वाले होटल में ज़रूर से एक बार स्टे करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हमें प्रोवाइड किया गया था, फ्रिज था एक छोटा सा, मतलब छोटू सा फ्रिज था एक, जिसमें हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। और इस तरीके से अगर हमको चाय कॉफ़ी कुछ बनाना है, ग्रीन टी, तो वो भी अवेलेबल था यहाँ पे।
और ना हम लोग बस रेडी हो गए, हमने सामान वगैरह रखा और उसके बाद ना हम डिनर के लिए आ गए थे। तो हम लोग ना बाहर के एरिया में पूल साइड में बैठे थे और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक बज रहा था और गरम गरम स्नैक्स आ रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं और गरम गरम स्नैक्स मिल रहा था, लाइव म्यूज़िक बज रहा था, तो जो वहाँ का माहौल था ना वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे वेज नॉनवेज दोनों ही आइटम जो है ये लोग सर्व कर रहे थे और अंदर के साइड में जो है वो बाकी डिनर रखा हुआ था। तो हम लोग ने ना बाहर बैठ के पहले स्टार्टर वगैरह खा लिया और फिर हम लोग अंदर गए बाकी का डिनर करने के लिए। और डिनर में इतनी सारी वैरायटी थी ना कि उसका वीडियो तो मैंने लिया नहीं है, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, जैसे कि 12 टाइप्स के तो स्वीट्स थे, मतलब 12 प्रकार की तो मिठाई थी। तो आप समझ जाइए कि खाने में क्या क्या वैरायटी होगी। तो खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का और बहुत सारी वैरायटी खिलाई इन्होंने। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में आए थे ब्रेकफास्ट करने। तो मैंने ये अंदर का थोड़ा सा कवर किया है, जो अंदर का एरिया था डाइनिंग का वो इस तरीके से था। और नाश्ते में बहुत सारी वैरायटी थी, वो मैंने थोड़ी सी कवर की है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से फ्रूट्स था, जूस थे, मतलब बहुत बहुत सारी वैरायटी थी। साउथ इंडियन था, छोला भटूरा था, आलू वड़ा था, तो बहुत सारी ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स में भी कुछ 4 प्रकार की वैरायटी थी, चाय कॉफ़ी। तो खाना खा के और रह के ना यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। और यहाँ का जो स्टाफ है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल स्टाफ था और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने खाई थी, उसके ना थोड़े थोड़े से क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी आपको बताने के लिए कि इस तरीके से यहाँ का जो नाश्ता था वो था। तो देव को तो बहुत मज़ा आ गई थी यहाँ पे खाना खा के। ये देखिए कितनी सारी वैरायटी थी। तो ये आप लोगों को बताने के लिए मैंने सब कुछ थोड़ा 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 लिया ताकि मैं आपको बता पाऊँ। और बस हम लोग ने फटाफट से यहाँ पे नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग जबलपुर टूर करने वाले थे। तो 2 दिन हमको यहाँ पे स्टे करना था, तो 2 दिन में हमने ना शायद से 4 जगह कवर की है, तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी आगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो ना तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में छोटा सा बेल का आइकन होगा उससे भी प्रेस करना मत भूलना। तो आगे के वीडियो में ना मैं आपको जबलपुर का जो हमने टूर किया था वो बताऊंगी। और अभी इस जो होटल में हम लोग रुके हैं शॉन एलिजली में, उसका थोड़ा सा आपको मैं डे का व्यू बताती हूँ कि दिन में किस तरीके से इसका लुक दिखता है, क्योंकि हम लोग कल रात को पहुँचे थे यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से ना स्टेयरकेस से थोड़ा सा मैंने वीडियो लिया है। इसमें इतना बड़ा इसका एरिया है ना कि मैं क्या क्या कवर करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जितना कवर करूँ उतना कम था। तो बहुत सारा चीज़ें मैंने कवर की है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये दिन में इस तरीके से यहाँ का रिसेप्शन जो है वो दिख रहा था। तो यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर बैकग्राउंड था ना, मतलब फ़ोटो खींचने के लिए, कि ऐसा लग रहा था कि कहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करूँ या कहाँ पे फ़ोटो खींचूँ कहाँ पे नहीं खींचूँ। मैंने बहुत सारी ना रील्स बना के भी डाली है मेरे चैनल में यहीं पे मैंने। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड है, तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए, विज़िट करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए इसका ना बाहर का लुक बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके से इसका लुक था और बहुत ही सुंदर था। और बार बार मैं सुंदर सुंदर बोल रही हूँ, पर बहुत ही मस्त वाली होटल है शॉन एलिजली, ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए आप। और अब इसके बाद हम लोग निकल गए थे, मुझे लगता है हम लोग ने मार्केट घूमी थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी खींच लिया शॉन एलिजली के पास जाके। और इसके बाद ना हम लोग ने मार्केट घूमी थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये वाला मार्केट पूरा बताऊँगी, जबलपुर में भेड़ाघाट में जो ये मार्केट है। और हमने किया था रोप वे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा रोप वे
प्लेन राइड करवाऊंगी आपको, और धुआंधार वाटरफॉल वो भी आपको देखने का मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो यहाँ पे आना चाहते हैं, या फिर अगर कोई ढूंढ रहा है कि नागपुर के आसपास या फिर जबलपुर के पास हम लोग कहाँ जाए घूमने, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आगे मैं आपको नया ही बताने वाली हूँ कि हम कहाँ पे घूमे थे जबलपुर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।